सती जन्म तप तथा विवाह। भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने सूक्ष्म भूत वायु अग्नि जल पृथ्वी पर्वत नदी समुद्र इत्यादि के साथ सप्तऋषियों तथा अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अंबिका एवं महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने दक्ष और वीरणी की सृष्टि की और उन्हें मैथुनी सृष्टि करने का आदेश दिया। उन दोनों ने पहले हर्यश्व और शबलाश्व आदि नाम से सहस्त्रों पुत्र पैदा किए, जो नारद जी के उपदेश से सन्यासी हो गए। बाद में उन्हें कल्पांतर में 60 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु शिव मरीचि आदि ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी की आराधना से संतुष्ट होकर परमेश्वर शंभु की आदिशक्ति सती देवी ने लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ अवतार लिया। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान मान से संतुष्ट किया। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ नृत्य और गान के सुंदर आयोजन किए गए। दक्ष के महल में जैसे खुशियों का साम्राज्य ही उतर आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दक्ष ने अपनी उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। परमेश्वर शिव की अभिन्न स्वरूपा होने के कारण वे बाल्यावस्था से ही उनके ध्यान में निमग्न रहा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद और पितामह ब्रह्मा जी उस अद्भुत बालिका के दर्शन की इच्छा से दक्ष के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भगवती सती से कहा, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी जिनको पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हीं महादेव जी की तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद के साथ अपने लोक को चले गए। युवावस्था में प्रवेश करते ही भगवती सती अपनी माता वीरेणी से अनुमति लेकर महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या करती हुई सती मूर्तिमती सिद्धि के समान दिखलाई देती थी। हाथी भांति के उपचारों द्वारा महेश्वर की साधना में वे इस तरह लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुधि नहीं रही। भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कहा, महेश्वर महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव सती के समक्ष प्रकट हो गए। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही थी। भगवती सती ने सौंदर्य के धाम महेश्वर शिव की वंदना की। उस समय उनका मुख नारी सुलभ लज्जा के कारण झुका हुआ था। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसीलिए तुम इच्छानुसार वर मांगो, शुभे तुम्हारा कल्याण हो। सती बोली, प्रभु यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझ दासी को कृतार्थ करें। ऐसा ही होगा कहकर परमेश्वर शिव अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर शुभ लग्न और मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ महेश्वर शिव को अपनी कन्या प्रदान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के आनंद की सीमा ना रही। विवाहोपरांत दक्ष से विदा लेकर शिवा के साथ महादेव कैलाश लौट आए। समस्त संसार सती और शिव के इस दिव्य मिलन से आनंदित हो गया।